दोस्तों दोस्तों आज संडे है और हमारे दोस्त दोनों मिलकर हम जा रहे हैं आज घूमने डलमा मॉल अबू धाबी। ये हमारा कैंप है और ये हमारी गाड़ी रही। ये हमारा दोस्त हमारे साथ अनिल, कैमरामैन भी है हमारा, और ये साथ में हम। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अब आगे दिखाएंगे आपको। अब ये हमारा कैंप है और यहीं से अब हम मेन रोड के लिए निकलेंगे। और दोनों दोस्त अब निकल चुके हैं यहाँ से, 3-4 मिनट का रास्ता है, उसके बाद हम लोग डलमा मॉल पहुँच जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा भी है अबू धाबी में, शायद अल वहदा मॉल के बाद दूसरे नंबर पर है डलमा मॉल। रोड डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ पर। रोड भी बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है। हमारे साथ ही वर्कर विलेज है अबू धाबी, मुसफ़ा का वर्कर विलेज है। फिर सामने अबू धाबी आलैन ट्रक रोड, इसी ट्रक रोड से हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद डलमा मॉल आएगा। 2 मिनट का टाइम लगेगा या 1.5 मिनट का। इस रोड की स्पीड वैसे 140-120 है, तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। और फाइनली अब हम लोग डलमा मॉल के करीब आ गए। अब ये डलमा मॉल के लिए राइड कर लिया और वो सामने रहा डलमा मॉल। डलमा मॉल के लिए राइट अब हम लोगों ने कर लिया है और ये सामने अब रहा डलमा मॉल। पार्किंग एरिया स्पेस जहाँ पे मिलेगी पार्किंग करेंगे, उसके बाद आपको हम अंदर का व्यू दिखाएंगे। वैसे छुट्टी है, छुट्टी की वजह से काफ़ी ट्रैफिक है आज। मॉल के अंदर भी ट्रैफिक है, बाहर रोड पर भी ट्रैफिक है। अब हम अंदर पार्किंग करने के बाद में अंदर की वीडियो आपको दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली अब हम लोग पार्किंग में पहुंच गए हैं और ये गाड़ी अपनी पार्किंग कर दी है और ये सामने रहा डलमा मॉल। अब हम चलते हैं अंदर। फाइनली ये डलमा मॉल की शुरुआत इस जगह से। काफ़ी बड़ा मॉल है और बाकी छोटे छोटे इसी में स्टोरेज हैं। वो मेन गेट, फाइनली हम लोग आ गए हैं डलमा मॉल। और सबसे पहले ये जो शॉप है ये है बदरुद्दीन अजमल, इंडिया आसाम के सांसद हैं। ये उनका परफ्यूम है, परफ्यूम की शॉप है बदरुद्दीन अजमल परफ्यूम। इसके बाद अलसराज ज्वेलरी, ये गोल्ड शॉप है। आपको दिखाते हैं आज का रेट क्या है। आज का रेट है 22 कैरेट 214 दरहम 75 फिल्स और 24 कैरेट 232 दरहम पर ग्राम। ये बच्चों की ट्रेन है जा रही है इसी शॉपिंग मॉल के अंदर। ये रिसेप्शन एरिया है, छोटे छोटे परफ्यूम के स्टोर्स हैं। यहाँ बच्चे गेम खेल रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। कैरी फॉर, ये मॉल की सिक्योरिटी है। नीचे बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं एवरी संडे, जब बच्चे आते हैं संडे को। डांस कंपटीशन भी होता है। ये कॉफ़ी शॉप है, मुल्तान कॉफ़ी शॉप, और ये इसमें कैरीफोर है, कैरीफोर सुपरमार्केट।
ये वेजिटेबल मार्केट, रिसेप्शन, सूखे मेवे और मसाले यहाँ पे मिलेंगे। ये उसका स्टॉल लगा हुआ है, फ्रूट एंड वेजिटेबल इधर है, ये ड्रैगन फ्रूट, इजिप्टियन मैंगो, ये आम है, कोई और फल नहीं, आम है, सब एक किलो डेढ़ किलो के एक आम है, काफ़ी बड़े और ख़ूबसूरत आम है। ये इजिप्टियन है और ये इंडियन मैंगो है जिसको बादामी कहते हैं। हर वैरायटी के मैंगो हैं और लगभग सभी देश के मैंगो हैं। ये बनाना है अफ्रीकन रेड बनाना, वाटर मेलन जिसे तरबूज कहते हैं, टमाटर, ये टमाटर देखिए यहाँ पे 2 दरहम से लेके 25 दरहम तक पर केजी टमाटर हैं। कितनी अच्छी वैरायटी है। ये बीफ और मटन स्टॉल है, इसके बाद ये फिश मार्केट, वाइट ओनियन, सफ़ेद प्याज देखिए कितने बड़े साइज में, और यहाँ पे जानवरों के लिए फूड है, देखिए कुत्ते और बिल्लियों के लिए, ये सब यहाँ पे, ये बिल्लियों का फूड है। कितना फ्रेश, इंसानों से बेहतर जानवरों का खाना है यहाँ। यहाँ बच्चों के लिए खिलौने हैं, ड्रोन, छोटे हेलीकॉप्टर्स, और ये कार हैं, स्पोर्ट कार। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है पूरी, ये सब LCD और LED टीवियाँ हैं। सैमसंग मोबाइल, सभी तरह के जैतून, जैतून ऑयल, कैडबरी और चॉकलेट स्टॉल, ये लाइनें पूरी उसी की हैं। Now for the potato guys, you can put it inside. And after that, this dressing over here. Go to this one, the last one. And for French fries, this adjustment. This one is more thicker now. You know the thicker, thicker. If you want more thinner, okay, go back to number 3 and put this one. This one is for julienne strips. Let's say, this is we're getting smaller now. Here we have this one for you. ओलिव, जैतून का स्टॉल है, जैतून ऑयल और जैतून खाने के लिए भी, सिरका, हर तरह का अचार, ड्राई फ्रूट स्टॉल, जैतून ऑयल, सेब का सिरका, और ये जैतून, ये फ्रूट, फ्रूट मार्केट, योगर्ट, दही,
ये मिल्क से बने हुए सारे आइटम यहाँ पे हैं। मिल्क इधर है, ये ऊँट का दूध है, कमल मिल्क। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में फिर से आपके साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।